नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है ये आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर साल लगभग देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहो तो बना सकते हो खुद से, और वीडियो अच्छा लगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, और इस चैनल को ज़िंदा भी रखना है तो चाहो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। और ठीक है, कुछ नहीं तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक अपना टेबल बेचता है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे। तो आपको पता है 10% निकालना 100 पे इजी होता है, तो क्यों ना हम टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है CP उसको हम 100x मान लें, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट, तो x मानना पड़ेगा, x इज़ अ फैक्टर, क्योंकि इसका 10% निकालना ईजी होगा। तो बोल रहा है कि इसको वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस वो है 110x, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, SP हो गया ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर, लेकिन अब आगे बोल रहा, अगर अगर मगर का बात आ गया यहाँ पे कि अगर वो 5% लेस में खरीदा होता, ठीक है, अगर का बात आ गया कि अगर वो 5% लेस में खरीदा होता, मतलब अभी अगर 100x में खरीदा है, 5% कम में खरीदा होता, यानी 95x में, इसका 5% लेस, क्योंकि आसान है निकालना, तो 95x में अगर खरीदा होता वो, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, और जो सेल किया है उसमें 80 रुपया और लिया होता, ठीक है, 80 रुपया मतलब क्या, 110x में सेल सोल्ड किया, 80 रुपया और लिया होता अगर वो, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ये जो 95x है, ये हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग, अगर इतना में खरीदता इतना बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि इस पे 20% का प्रॉफिट है, इस पे 20% का प्रॉफिट है। अब ध्यान से यहाँ ये समझने वाला बात है, अगर इसका वैल्यू 120 है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, तो 100 इसका वैल्यू है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 120 है तो 100 इसका वैल्यू है, यानी कि इसको अगर 120 से डिवाइड दे दे, क्योंकि ये क्या है, ये 20% प्रॉफिट पे है, और इसको 100 बनाए तो ये इक्वल इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये 20% ज़्यादा है इससे, इससे ये 20% ज़्यादा है, तो क्यों ना ये जो है, ये इसका वैल्यू क्या है, 120 है, इसको हमें 100 बनाना है, इसका वैल्यू 120 है, क्योंकि ये अगर 100 है तो ये 120 है, तो इसका वैल्यू 120, इसको 100 कर देंगे, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। ध्यान समझना है, इसको 120 टुकड़ा में डिवाइड करो और उसको 100 से इंटू कर दो तो 95x आ जाएगा, समझे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये 100 है तो ये क्या है, 120 है, अगर ये 100 है तो ये 120 है, यानी कि 20% प्रॉफिट हुआ हमको। अब अगर ये 120 है, इसको 100 में चेंज करें तो ये 95x के इक्वल टू हो जाएगा, 120 कैसे, 100 तो है ही प्लस 20% इसमें प्रॉफिट है, तो 120 का वैल्यू ये है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर 120 का वैल्यू ये है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, हम यही चीज़ किए हैं, तो यहाँ से आप इसको कटिंग करो, 6 5 6 से इसमें इंटू करो, 30 54 55 57x इक्वल टू ये हो जाएगा 550x प्लस 400, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 400, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे ये यहाँ से 1 0 कटाओ, यहाँ से 1 0 कटाओ, एंड 20। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x, एक्स का वैल्यू मालूम चल गया, 20 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया, 2000 रुपया, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आप बता सकते हो कि हाँ आपको समझ में आया हो, और इस चैनल को ज़िंदा भी रखने में मदद कर सकते हो मेरी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।